तो गाइस सबसे पहले मैंने अपना टोनर यूज़ कर लिया है, गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया है मैंने। देन उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मैं मॉइस्चराइज़र के लिए पोन्स की ये जेल यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग जेल। तो उसके बाद मैं ये प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। फिर मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ ये ओलिविया की पेन स्टिक है। इसमें मेरा शेड है टच एंड ग्लो 05 टच एंड ग्लो। इसको मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। यह बहुत ही अच्छा फाउंडेशन का काम करता है, ये फुल कवरेज देगा आपको। इसी को मैं कंसीलर की तरह आँखों पे भी लगा लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं इसने कितनी अच्छी कवरेज दी है, बहुत ही अच्छा पेन स्टिक है ये। देन उसके बाद मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये NYBay का SPF 40 वाला कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे मैं अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लूँगी। देन मैं एक आई शेडो पैलेट लेके, ये आई शेडो पैलेट है हाफ एंड हाफ का आई शेडो पैलेट लूँगी। इसमें से मैं ये ब्लैक कलर लेके अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। देन मैं एक काजल पेंसिल लेके अपने जो आईलैशेस के साथ साथ काजल लगा लूँगी लाइनर की तरह। फिर मैं ब्रश की हेल्प से इसको जहाँ पर काजल लगाया है वहीं पे ब्लेंड करूँगी। देन मैं उस पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड लेके काजल के थोड़ा ऊपर से स्मज कर लूँगी ताकि थोड़ा स्मोकी लुक लगे। काजल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर से आई शेडो को स्मज कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर एक ब्राउन शेड एक ब्लैक शेड लूँगी और ब्रश की हेल्प से जहाँ पे काजल लगाया था उसे हाईलाइट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। आप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं पर ये काजल से थोड़ा सा स्मोकी लुक आता है, अच्छा लगता है। देन ब्लश के लिए मैं उसी पैलेट में से पिंक शेड ले रही हूँ और ब्लशर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। एक पैलेट से आप देख सकते हैं कितने काम हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी में से ब्राउन शेड लेके मैं कॉन्टोर यूज़ करूँगी बिल्कुल हल्का सा ताकि पता ना चले। देन मैं स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ले रही हूँ लस्टोन, शेड है लस्टोन, ये बहुत ही अच्छा न्यूड शेड है, टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं हाइलाइटर भी उसी पैलेट में से ये गोल्डन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी, आईब्रोज को भी हाईलाइट करूँगी। देन जहाँ पे हाइलाइटर की यूज़ है वहीं पे हाइलाइटर लगाऊँगी, अपने चिक्स पे भी हाइलाइटर लगाऊँगी मैं। तो देख सकते हैं गाइस ये टीनेजर के लिए कितना अच्छा मेकअप लुक है, थोड़े से सामान में मेकअप कर सकते हैं आप। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।